ड्रीम स्टोरीज की दुनिया चुड़ैल का हीरा। एक वक्त की बात है, किसी गांव में बिट्टू नामी एक डॉक्टर अपने बाप के साथ रहता था। गांव में कोई और क्लिनिक ना होने की वजह से लोग बिट्टू से अपना इलाज करवाया करते थे। बिट्टू इखलाक का बहुत अच्छा था और अक्सर गरीबों का इलाज मुफ्त कर दिया करता था। अरे बिट्टू डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, मुझे खट्टी खट्टी डकारे आती रहती है। पाजी, आप तली हुई चीजें खाती होगी, इसीलिए आपको खट्टी खट्टी डकारे आती है। नहीं तो क्या मैं तली हुई चीजें ना खाऊं? मेरे से नाराज आवे तली हुई चीजें खाए बगैर। बाजी, आप खाया करो तली हुई चीजें, लेकिन ज्यादा ना खाया करो, हर चीज की ज्यादती बुरी होती है। अब मैंने किसके साथ ज्यादती कर दी? तली हुई चीजों के साथ, जिसकी वजह से आपको खट्टी खट्टी डकारी आती है। अच्छा से बातें ना कर, मुझे दवा लिख कर दे। बाजी, आप बाजार से लकड़ो पीड़ी की दवा लेना, ये बहुत अच्छी दवा होती है, इससे आपकी खट्टी डकारे खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। फिर मुझे बुध वाले दिन दोबारा आकर चेक करवाना। ना भाई, बुध वाले दिन मैं ना हूँ, उस दिन वो तीन मुंह वाली चुड़ैल आती है और एक इंसान को पकड़ कर ले जाती है। हाँ बाजी, मुझे भी मेरे अब्बू बड़ा करते हैं कि बुध वाले दिन दुकान नहीं खोली। हाँ भाई, वो बहुत जालिम चुड़ैल है, वो इंसान को कच्चा चबा चावे। अच्छा तो ये बात है, इसी वजह से मेरे अब्बू मुझे बुध वाले दिन दुकान खोलने से बड़ा करते हैं। मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ। फिर बिट्टू अपने बाप के पास जाता है और कहता है, अब वो जान आपने मुझे बताया ही नहीं कि हम दुकान बुध वाले दिन इसलिए बंद करते हैं कि उस दिन तीन मुंह वाली चुड़ैल आती है। हाँ बेटा, मैंने तुझे इसीलिए नहीं बताया कि कहीं तू डर ना जाए। तू अभी कुछ दिनों पहले ही बाहर से पढ़कर आया है, मैं नहीं चाहता तू परेशान हो। पर अबू जान, आपको मुझे बताना चाहिए था, हो सकता है मैं इन लोगों के कुछ काम आ सकूं जो तीन मुंह वाली चुड़ैल की वजह से परेशान है। बेटा, वो बहुत बुरी चुड़ैल है, वो लोगों को कच्चा चबा जाती है। इसने तेरी माँ को भी पकड़ लिया था और अपने साथ ले गई थी। क्या अबू जान, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उस चुड़ैल से बदला जरूर लूंगा और मैं अपनी माँ को जरूर छुड़वा कराऊंगा। बेटा, थाने में मेरी मोटरसाइकिल पकड़ी गई है, पहले वो छुड़वा, बाद में अपनी माँ को छुड़वाई। उसी गांव में मीठा नामी एक आदमी अपनी माँ के साथ रहता था। अम्मा, क्या पका है? बेटा, फर्श ही पका है। अम्मा, मैं फर्श की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि खाने में क्या पका है। बेटा, तू कुछ लाएगा तो कुछ पकाऊंगी ना, इस तरह तो कुछ नहीं पक सकता। बेटा, पता नहीं तू कब कमाने वाला बनेगा, मैं तेरी वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। अम्मा, तू मेरी वजह से परेशान ना हुआ कर, मैं एक दिन बहुत बड़ा हाथ मारूंगा और हम हमेशा के लिए अमीर बन जाएंगे। पता नहीं वो दिन कब आएगा, वो दिन आने से पहले मेरे दिन ना पूरे हो जाए। अच्छा अम्मा, ज्यादा बातें ना कर, मैं दरिया पर नहाने जा रहा हूँ, जब वापस आऊँ तो मेरे लिए मटन बोटी बनी होनी चाहिए। तू चला जा यहाँ से, वरना मैं तेरी बोटी कर दूंगी, बड़ाया मटन बोटी खाने वाला। फिर मीठा दरिया पर नहाने जाता है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, नहा के खाना खाने घर जाना चाहिए। फिर मीठा नहाने के लिए दरिया में छलांग लगा देता है तो थोड़ा नीचे आने पर उसे एक लाल रंग का हीरा नजर आता है। मीठा वो हीरा देखकर बहुत हैरान होता है। यार, ये तो कोई बहुत महंगा हीरा लग रहा है, अब तो मेरे दिन बदल गए। इस हीरे को अपनी माँ से छुपा कर रख देता हूँ, वरना वो मेरे पीछे पड़ जाएगी। फिर मीठा उस लाल रंग के हीरे को उठा लेता है और अपने घर लाकर एक जगह पर रख देता है। अब मैं इस हीरे को बेचूंगा और बहुत अमीर बन जाऊंगा। वहाँ बादलों में तीन मुंह वाली चुड़ैल का घर होता है, जो हर बुध को उस गांव से एक इंसान को उठाकर ले जाती है। अलका, आपके बेटे की तबीयत बहुत खराब है, मुझे नहीं लगता कि अब ये पचेगा। अभी तक तुम वो लाल हीरा नहीं ढूंढ पाई, अगर वो मिल जाएगा तो मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं कब तक उसे कोकाफ के दरख के पत्ते खिलाकर बचा पाऊंगी?
बल्कि मैंने सुना है कि इस गांव में एक डॉक्टर है जो बाहर से पढ़ के आया है। मुझे लगता है वो आपके बेटे का इलाज कर सकता है। क्या तुम ठीक कह रही हो? जी बल्कि मैं ठीक कह रही हूँ, आप अभी जाए उसके पास। ठीक है, मैं उसके पास जाती हूँ। फिर चुड़ैल एक लड़की का रूप बदल लेती है और बिट्टू के पास जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, आप मेरे साथ चलो। क्या हुआ आपके अब्बू को? डॉक्टर साहब, वो काफी दिनों से बेहोश हैं, इन्हें होश नहीं आ रहा। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। फिर बिट्टू उस चुड़ैल के साथ जाने लगता है कि वो अपनी असल शक्ल में आ जाती है। तुम कौन हो? तुम तो तीन मुंह वाली चुड़ैल हो जो लोगों को ले जाती है अपने साथ। हाँ, मैं वही चुड़ैल हूँ, अब तू मेरे साथ चल। फिर चुड़ैल बिट्टू को लेकर अपने घर में चली जाती है और अपने बेटे के पास ले आती है। ये मेरा बेटा है, इसका इलाज कर, अगर ये ठीक ना हुआ तो तेरी खैर नहीं। तीन वाली चुड़ैल, इसका इलाज मेरे पास है, इसे चबाटो भीड़ का टीका लगेगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जल्दी से लगा इसे चबाटो भीड़ का टीका। फिर बिट्टू उसे चमाटो बीन का टीका लगाता है तो उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। बल्कि आपका बेटा ठीक हो गया, मैंने कहा था ना आपको, इस डॉक्टर के पास आपके बेटे का इलाज है। हाँ, तुम ठीक कह रही थी, ये डॉक्टर तो हमारे बहुत काम का है। बल्कि मैं तो कहती हूँ इसे खा जाते हैं, फिर इसकी सारी डॉक्टरी हमारे अंदर आ जाएगी और हम एक दूसरे का इलाज कर पाएंगे। बहुत अच्छा आइडिया है, इस तरह तो हम इसे खाकर खुद डॉक्टर बन जाएंगे। अब मोटे मरने के लिए तैयार हो जा। ये सुनकर बिट्टू डर गया और उसके जहन में एक तरकीब आई। तीन मुंह वाली चुड़ैल, अगर तुम मुझे खा भी लोगी तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी सारी डॉक्टरी अपनी दुकान पर भूल कर आ गया हूँ, वो सारी डॉक्टरी मेरी दुकान पर टेबल के ऊपर पड़ी है। बल्कि ये बात ठीक है, आप अभी इसकी दुकान पर जाएं और वहाँ से इसकी डॉक्टरी उठा कर आए, फिर अब इसे खाएंगे। ठीक है, चल मेरे साथ अपनी डॉक्टरी ले दे। फिर चुड़ैल बिट्टू के साथ उसकी दुकान पर आती है और कहती है, बिट्टू तू अपनी डॉक्टरी उठा, मैं भी रोगनी ना लेकर आती हूँ, उसके साथ तेरा गोश्त खाओगी। चुड़ैल बाजी, आप रोगनी ना लेकर आओ, इतने मैं अपनी डॉक्टरी उठा कर यहाँ खड़ा आपको मिलूंगा। फिर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और बिट्टू जल्दी से गांव के बाबा जी के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। बाबा जी, अब वो मुझे खाने के लिए ले जा रही है, मैं बहुत मुश्किल से बाड़ा बढ़ा कर उससे बच कर आपके पास आया हूँ, मेरी मदद करो। बेटा तुम फिक्र मत करो, ये बोतल अपने साथ ले जाओ, मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाता हूँ, जब वो आए तो ये मंत्र पढ़ना, मागा भागा का काकड़ा का कुकड़ी का काकड़ा, तो वो चुड़ैल इस बोतल में बंद हो जाएगी, फिर तुम उसे दरिया में फेंक देना। फिर बाबा जी बिट्टू को मंत्र सिखाते हैं और बिट्टू वो बोतल लेकर अपनी दुकान के बाहर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद वो चुड़ैल आ जाती है। चल बोटे, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जा। नहीं, बल्कि तू इस बोतल में बंद होने के लिए तैयार हो जा। फिर बिट्टू वो मंत्र पढ़ता है, बागा बागा का काकड़ा का कुकड़ी का काकड़ा, इस बोतल में बंद हो जा। बिट्टू जैसे मंत्र पढ़ता है वो चुड़ैल बोतल में बंद हो जाती है। फिर बिट्टू उस बोतल को उसी दरिया के पास लाता है जिसमें मीठा नहाता है और बोतल को दरिया में फेंक देता है। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जब मीठा इस दरिया में नहाने आएगा तो क्या वो बोतल खोल देगा। शुक्रिया।